उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बड़ी बड़ी इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र और वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और अन्य आपराधिक मामलों से संबंधित जांच में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। देश में 74 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.51% है। प्रदेश में अब तक 4,47,76,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक कोरोना वैक्सीन की 72,21,00,000 से अधिक खुराक उपलब्ध कराई है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि उद्योग लगाने में पारदर्शिता के साथ युवाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए अब तक 61,768 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती समेत प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अवधि बढ़ा दी है। आज से 17 सितंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। गृह विभाग ने 2 माह के अंदर राज्य के 660 पुलिस थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया है।